फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का बिल्कुल ही नया नाश्ता। ये खाने में बहुत ज़्यादा चटपटा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं चटनी बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने गैस पर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी आधा बाउल चना का दाल। तो ये देखिए, और इसे मैं मिलाते हुए ही भूंज लूँगी। जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाए तो समझिए कि आपका चना दाल अच्छे से भुंजा गया है। तो यहाँ पर ये इसका जो कलर है जो चेंज हो गया है, तब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉल में निकाल लिया और इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है। ये फूलने के बाद ये आसानी से पिसा जाता है, तो इसे 10 मिनट के लिए मैं फूलने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सेम पैन लिया है और एक चम्मच मैं इसमें तेल डालूँगी। आधा चम्मच मैंने सरसों का दाना डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इसे मैं मिला लेती हूँ। और एक गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाला है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाला है, ये देखिए। तो अच्छे से मैं इसे मिला लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बॉल सूजी। सूजी डालने के बाद तुरंत मैं इसे मिला लूंगी। अगर आप छोड़ देंगे तो ये गांठ जैसा बन जाएगा। तो इसे लगातार इसी तरह से मिलाते रहना है। ये देखिए, बिल्कुल इसे डो की तरह तैयार करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ही डो की तरह तैयार हो गया। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। तब तक मैं आलू मसाला, यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिया है और इसे मैं मसल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे मसल लिया है। तो मैंने सेम पैन लिया, इसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सरसों का दाना डाला है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन, इससे इसका टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन किस तरह से भून के डालते हैं तो आलू में एक अलग ही स्वाद आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला और अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं मसला हुआ आलू को इसमें डाल देती हूँ। और अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। तो इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मिलाते रहूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा भुंजा हुआ मसाला डाला है और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है और मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब ये हो गया है। तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, पर ये भी ठंडा हो गया है। तो इसे हाथ से इस तरह से मैं मसल लेती हूँ और हाथ थोड़ा सा तेल लगाया है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़कर मैं गोल बना लूँगी और इस तरह से चटाई जैसा बनाकर थोड़ा थोड़ा मिश्रण को इसमें भरते जाऊँगी। अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो ये टूट जाएगा। तो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप डालें और इस तरह घुमाते हुए इसे बॉल्स तैयार कर लें। ये देखिए, और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। हाथ पर तेल लगाने से सूजी है जो चिपकता भी नहीं है और ये आसानी से झटपट बन भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पैन रखा है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी। तो सूजी का जो बॉल्स है उसे मैं स्टीम करूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ
जो गेहूं चलते हैं वो मैंने यहाँ पर जाली डाला है। आप चाहे तो आपके पास स्टीमर है तो वो आप उसमें डालकर आप स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ 5 मिनट हो गया और इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। देखा करके इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल देती हूँ। ऐसे 5 मिनट तक मीडियम गैस पर पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन रखा और 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लहसुन लिया, थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया है और 2 मैंने लाल मिर्च लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सरसों का दाना डाला है, 2 मैंने लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन डाल दे रही हूँ और इसमें मैंने करी पत्ता डाला है। और इसे अच्छे से भून लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। जब चटनी तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पर मेरा दाल है जो फूल गया है तो इसे मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी नारियल को और इसमें भुंजा हुआ जो मसाला है वो इसमें डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है। ऐसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से। देखिए इसे मैं बॉल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया, जो मैंने तड़का निकाला है वो चटनी के ऊपर से रख दिया। तो मेरा चटनी तैयार हो गया है और यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, ये भी अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो इसे ठंडा होने के बाद मैं निकाल लूँगी। तो मैंने सेम पैन लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, आधा चम्मच मैंने सरसों का दाना डाला है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने करी पत्ता डाला है और सबको मैं मिला लेती हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने यह धनिया पाउडर डाला है और मिला लिया है। अब सूजी का बॉल्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे इस तरह से मिलाते हुए भून लेती हूँ। बस 2 मिनट तक ही मैं मिलाऊँगी इसे। तो इसमें मैं डालूँगी भुंजा हुआ मसाला, ये देखिए छोटा चम्मच मैंने 1 चम्मच डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला डाला है और अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो सूजी का बॉल से जो बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप चना के दाल के चटनी के साथ खा कर देखिए, इसका जो फ्लेवर है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर एक बार आप घर पर बना लेंगे तो आपको दोबारा ज़रूर मन करेगा। ये पेट तो ज़रूर भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, इतना ये टेस्टी है कि आपको बच्चों को लंच में या तो आप टिफिन में भी इसे लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही नया रेसिपी है। अगर आपको मन करे कुछ नया खाने का और चटपटा खाने का तो मेरे इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बार मेरे तरीके से और बना कर देखिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।